हेलो गाइज, अगर आप भी इस तरीके का बर्थडे स्टेटस बनाना चाहते हैं जैसा कि आपने अभी प्रीव्यू में देखा, अगर आपके किसी फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप इस तरीके के बर्थडे बना के उसे बेस कर सकते हैं। तो बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है बीटसाइन एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब गाइज आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जब ऐसा इंटरफेस दिखाई दे तो प्लस का आइकॉन को आपको क्लिक करना है और इधर फोटो वाली साइड में ले जाना है। जब गाइज आप यहाँ से ले जाएंगे उसके बाद डायरेक्ट आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको अपनी गैलरी से अपने फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आप जिसके लिए भी स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं उसी की फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो गाइज यहाँ से मैं कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना होगा इसी तरीके से, जिससे आपका स्टेटस काफ़ी अच्छा क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने 8 फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, और भी एक दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, या फिर 8 ही रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो गाइस यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से म्यूजिक को ऑफ कर देता हूँ, वरना आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आएगी। और यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है इस साइड में। स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा ये वाला, जिसका नाम है केमिकल यूनिवर्स। सिंपली आपको इसी को डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड नहीं करना होगा सॉरी, इसी पे लाके आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला इफेक्ट लग जाएगा आपके स्टेटस में, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ, यहाँ से राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूजिक का और रेशियो का और टिकटॉक का, सही है। तो यहाँ से जो सेकंड वाला ऑप्शन है टिकटॉक का, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेशियो में आप अपने स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से 9:16 रेशियो में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको टिकटॉक वाले रेशियो में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे काइन मास्टर का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा 3rd नंबर पर, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, द प्रोजेक्ट विल बी ओपन इन काइन मास्टर ऐप, प्लीज़ फिनिश योर वर्क इफ़ यू आर यूजिंग काइन मास्टर नाउ। तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन है तो डायरेक्ट आप काइन मास्टर एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यहाँ से आ जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करके इस दोस्तों यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ से आपका प्रोजेक्ट आ गया है, ये वाला प्रोजेक्ट था, देख लीजिए दोस्तों आ गया है प्रोजेक्ट। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो म्यूजिक दिया हुआ है इसको आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें इसमें बर्थडे वाला म्यूजिक लगाना है तो हम अलग से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाली PNG को ऐड करना होगा सबसे पहले। तो गाइस यहाँ से मैं उसे कर लेता हूँ बैकग्राउंड वाली PNG। सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ से ये आ गया, सिंपली आपको इस तरीके से नीचे ले जाके लगा देना है, स्क्रॉल करके आपको इसे पूरे उसमें कर देना है, पूरी वीडियो में। उसके बाद शुरू में आ जाना है। अब यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले एक हैप्पी बर्थडे टू यू वाली PNG को ऐड करना होगा, जिसमें लिरिक्स PNG, इसको भी स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है इस तरीके से। उसका नीचे आना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्टमेंट के नीचे ब्लेंडिंग का, आपको उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ा नीचे ला के लगा देना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़ा करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ से लगा दिया। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से लगा देना है। तो गाइस यहाँ से आपका स्टेटस काफ़ी खास बनेगा। उसके बाद शुरू में आ जाना है आपको, शुरू में आने के बाद सबसे पहले आपको लगाना है बर्थडे वाला म्यूजिक, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा। तो गाइस यहाँ से मैं ऑडियो में जाता हूँ और म्यूजिक को मैं लगा लेता हूँ, आपको भी लगा लेना होगा। जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ टेंशन मत लीजिए, सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने म्यूजिक को ऐड कर लिया, म्यूजिक भी हमारा लग चुका है, म्यूजिक बढ़ा। तो सिंपली यहाँ से मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ से आपको शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब गाइस आपको जाना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको ये कलर इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना होगा, जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक गाइस, तो मैं यहाँ से कर लूँगा। यहाँ से मैंने कर लिया, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन कर देना है, स्क्रॉल करना है, इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, ब्लेंडिंग भी क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन आप जब कर देंगे तो देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगेगा। ये वीडियो बढ़िया थोड़ी, तो सिंपली आप इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद शुरू में आ जाना है,
शुरू में आने के बाद यहाँ से आपका स्टेटस क्रिएट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से आप अपने स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से बॉर्डर वाली PNG को ऐड कर लूँगा। जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन कर देना है, नीचे आना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ से बॉर्डर भी लग चुका है, हमारा शर्ट क्रिएट हो चुका है। चलिए गाइज मैं आपको चला के दिखा देता हूँ।